आइए आज 2012 का सेट नंबर 1 हल करते हैं। 11 वाला पूरा हम हल करा चुके हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, नाउ वी हैव टू बी टू सी टू इट। अब हमें यह देखना है, ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं, इसको आप काट दीजिए। टार्च बियरर का था ये, इस वर्ष नहीं आपको पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ डिड यच रिवार्ड इज दृष्टि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया आपको, वीडियो भी इसकी अपलोड है। वाई डज द राइटर कॉल सॉक्रेटिस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक। लेखक सुकरात को यूनानियों में सबसे अधिक महान क्यों कहता है, तो ये भी आपके सिलेबस में है। तो हाउ मच मनी डिड सॉक्रेटिस नीड, हाउ मच ही गेट, सॉरी लेंचो नीड, लेंचो कितने धन की जरूरत थी, वह कितना पाया था, ये भी आपके को याद करना है। व्हाट वॉज मोस्ट प्रेसियस गिफ्ट टू नेहरू, नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था। बाकी तीसरा क्वेश्चन आप काट दीजिए, ये इस वर्ष नहीं याद करना है आपको, क्लियर। यूनिक का चलिए मैचिंग करिए, 4 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, सही सही मिला देंगे। तो यूनिक माने होता अनुपम, तो बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का एक ही होना, जिसको कहते हैं अनुपम या अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ट्रूली का रियली हो जाएगा, सचमुच या वास्तव में। रिलेक्टेंट माने होता अनविलिंग, नॉट विलिंग जिसको कहते हैं, अनिच्छुक होना। पास्ट माने होता रुकना, स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रुक जाना, ठीक ना। तो यूनिक का बीइंग द ओनली, ट्रूली का रियली, रिलेक्टेंट का अनविलिंग, जो एक बच्चा है उसको स्टाफ का पॉजिटिव कर दो, 3 कर लिया करो, एक बच्चे जो उसी कराएगा। अब ग्लोरियस फाउंटेन, ये इसका आपको क्वेश्चन हल करने के लिए आएगा, तो ये भी तैयार कर लीजिए। देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन जो आए, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, पैसेज का टाइटल बताना जहाँ से लिया गया, तो सीधे सीधे फाउंटेन हो जाएगा। व्हाट क्वालिटी ऑफ फाउंटेन द पोएट विश टू हैव, कब फवारे के क्या गुणों को रखना चाहता है। ये सभी क्वेश्चन आपको हल करने हैं, तो चलिए देखते हैं अगला। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो इसमें 4-2 कविताएं हैं, ये सेंट्रल आइडिया लिखो या 4 लाइन कविता लिख दो, तो 4 लाइन वाली आपके लिए बेटर होगा, सरल होगा, तो आप याद कर सकते हो। अगला देखिए, 25 वर्ड में, इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, किस तरह से एडिसन संसार को प्रसन्न चित्त किया या खुशमय किया, ठीक है, चमकीला और प्रकाशमान किया। या वाई वाज विक्रमादित्य प्रेज बाय वन एंड ऑल, हर सभी के द्वारा विक्रमादित्य की प्रशंसा क्यों की जाती है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो अपलोड है, वहाँ से भी देख सकते हैं नोट्स में। तीसरा क्वेश्चन काट दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रू फॉल्स बताइए, एज ए चाइल्ड एडिसन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, एक जब बच्चा था तो एडिसन प्रश्न पूछने का शौकीन नहीं था, फॉल्स कर दीजिए। दूसरा, द विक्रम संवत वाज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य, ट्रू। पियर डी कार्बर्टन फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, तो ट्रू, लेकिन ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। लूज लैंग्वेज एंड अमेरिकन, ये फाल्स है, लेकिन इस वर्ष सिलेबस में नहीं, आपको केवल बी तक तैयार करना है। गिल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज, हाँ, तीसरा वाला, इंटेलिजेंट इनफ थे वाई डिस्कवर देयर गिल्ट, उनके अपराधों को खोज करने में पर्याप्त बुद्धिमान थे। एडिसन वाज फंड ऑफ, सी वाला सही है, यानी तीसरा प्रयोग करने का। लूज लैंग्वेज रियली स्पोर्ट्समैन बिकॉज, इज मेन ऑब्जेक्ट वाला सही है, लेकिन ये इस वर्ष आपके सिलेबस में ही नहीं है। जेसी ओवेंस वाला भी, हाँ, तो ही वाज टेंस सही रहेगा, लेकिन ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, वह तनावग्रस्त था, वह कूद नहीं पाया था उचित ढंग से, क्योंकि तो केवल आपको अभी तक तैयार करना है। इसमें सेक्शन बी पे आ जाइए, तो इसमें रीऑर्डरिंग करना, मी माई टार्ट स्विमिंग मी फादर, तो पहले लिख दो माई फादर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिख दो टार्ट, ऑब्जेक्ट लिख दो मी, उसके बाद अदर वर्ड लिख दो स्विमिंग, माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे तैरना सिखाया, पढ़ाया नहीं सिखाया होगा, यहाँ टाट मीस, तैरना सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। सुनील गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो इस, हाँ, गोज हटा के डज नॉट गो कर दो, और कुछ करना नहीं है, बाकी सब सही है। गोज हटा के उसके जगह लिख दो डज नॉट गो, तब निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अगला, दीज बुक्स बिलोंग को सेम टू सेम वैसे लिख दो, कुछ करना इसमें बदलना उदलना नहीं है, क्योंकि दीज बुक्स कई किताबें बिलोंग का बिलोंग ही रहेगा, कन्फ्यूजन के लिए दे दिया, अनायास कुछ लोग बिलोंग में एस जोड़ देंगे, क्लियर, जबकि अनायास जोड़ना उड़ना नहीं, सेम टू सेम यही ले आके वहाँ सेट करना है, ठीक ना। ये किताबें मेरी हैं, बिलोंग टू मी, अगर फ्यूचर में करते बिलोंग टू मी, मेरी थी, मौके पर अगर आपकी नहीं है तो आप बिलोंग्ड भी कर सकते हो, लेकिन बिलोंग्स नहीं कर सकते हो, क्लियर, तो बेटर यही होगा बिलोंग का बिलोंग ही रहने दो।
ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, तो ही सेड दैट कर दो, सेड के बाद क्या करोगे दैट, यू का आई कर दो, आई के बाद मस्ट वर्क हार्ड वैसे रहने दो, कुछ करना नहीं है। उसने कहा कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखिए ग्राहक क्वेश्चन जो आपका है, द सोल्जर फाट, क्या प्रीपोजिशन भरा जाएगा, विथ भरा जाएगा, फाट के साथ हमें सब विथ लगेगा और इसमें कुछ नहीं समझना है, मतलब फाट माने लड़ा, कैसे लड़ा, साहस के साथ लड़ा, तो साथ की अंग्रेजी क्या होगी, विथ, फाइट रहेगा तब भी विथ रहेगा, फाट फाइट कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, लड़ना के साथ जो है विथ लगेगा इतना जान लो, क्लियर, फाइट हो या फाट, क्योंकि साहस के साथ ही लड़ेगा, किसी के साथ ही आदमी लड़ता है ना, तो इसलिए विथ लगेगा, इसे याद कर लो, क्लियर। When he returned from his college, जब वह कॉलेज से लौटा अपने, तो क्या करने लगा, देखिए इसमें he began to eat कर दो, वह खाने लगा, भाई भूखा था स्कूल से लौटा, या तो began to take rest भी कर सकते हो, आराम करने लगा, समझिए कि नहीं, कुछ भी कर सकते हो आपकी मर्जी, हाँ स्कूल से लौटने के बाद आदमी जो, या ऐसे कैसे ही began to play, वह खेलने लगा, बच्चे कभी कभी खेलना शुरू कर देते हैं आने के बाद ना, इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, ही began to eat कर दो, या प्ले, या टेक रेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है वर्ड मीनिंग पूरा करना, इम्पॉर्टेंट कर दीजिए, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, पहले में ओ कर दो, दूसरे में ए कर दो, क्लियर। गिल्टी जी यू आई, ये तो गिल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य पढ़े हो ना, इम्पॉर्टेंट थिंग ओलंपिक गेम्स, तो इम्पॉर्टेंट माने में महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखिए आपका जो है पंचुएशन, पहले यच बड़ेस कर दिए ही, रोड के बाद आप कामा लगा दो, यच बड़ेस रहेगा, यच बड़ेस करोगे ही बड़ेस हो जाएगा, रोड के बाद कामा लगाओ, डबल इन्वर्ट कामा, आई बड़ेस कर दो, क्योंकि आई कभी छोटे से लिखा नहीं जाता है, वैसे भी पहला अक्षर बड़ेस रहता है। अब देखिए कांट है, ये एन के बाद एपोस्ट्रॉफ ही रहेगा, सी ए एन एपोस्ट्रॉफ टी, कांट एन के बाद एपोस्ट्रॉफ टी, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं लिख सकती हो, जैसे लिखा गया उसको वैसे सही करो, अपना दिमाग ना लगाओ, कांट लिखा है तो कांट ही रहेगा, कैन नॉट कर दो गलत हो जाएगा, क्लियर। आपको बदलने का अधिकार नहीं है, उसको सही करने का केवल अधिकार है आपको। आई कांट कम बिकॉज आई, फिर बड़े कर दो इल, इल के बाद फुल स्टॉप इनवर्ट काम बंद, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, बसंत ऋतु आ गई है, स्प्रिंग हैज कम कर दो ना, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु होता है, हैज कम माने आ गई है, स्प्रिंग हैज कम कर दो, बसंत ऋतु आ गई है हो जाएगा, या आप इसको कहते हैं इट इज स्प्रिंग सीजन भी कर सकते हो, या बसंत ऋतु है या बसंत ऋतु आ गई, दोनों एक ही चीज होता है। स्प्रिंग हैज कम कर दो सही है, या तो आप ठीक है मौसम के हिसाब से इट इज स्प्रिंग सीजन भी कर सकते हो, दोनों सही है, गलत नहीं है, क्लियर। मार्च और अप्रैल के महीनों में बसंत आता है, तो पहले कह दो स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, यह बहुत सुहावना है, मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल में यम और ए बड़े कर देना, महीने के नाम पहला अक्षर बड़े से, यह बहुत सुहावना मौसम है, इट इज वेरी प्लीजेंट वीदर, प्लीजेंट पी एल ई एस एन टी, प्लीजेंट वीदर डब्ल्यू ई ए टी एस आर, इट इज वेरी प्लीजेंट वीदर, हो गया। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, स्प्रिंग इज कॉल्ड, इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन, द किंग ऑफ सीजन माने ऋतुओं का राजा यानी कि ऋतुराज, स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन, द किंग ऑफ सीजन माने होता है ऋतुराज, अगर भूल जाओ तो ऋतुराज को ऋतुराज भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, अगर भूल जाओ तो किंग ऑफ सीजन, क्लियर, क्योंकि उसको नाम दे दिया गया है, वैसे किंग ऑफ सीजन माने होता है ऋतुराज, ठीक ना। देखिए जो लेटर आया है, टाइट लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू कम एंड स्पेंड समर वेकेशन विद यू, अपने दोस्त को पत्र लिखो, उससे कहो कि आपके साथ आके गर्मी की छुट्टियां बिताएं, तो ये किताब में आपको बताया गया है, ठीक है लिख सकते हो। अगला है राइट लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट,
तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको बताया गया है, इसमें कारण क्या, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड अदर स्टेट, दूसरे जिले में हो गया आपके पिता का ट्रांसफर, स्टेट माने राज्य बताना दूसरा, एंड यू हैव टू गो अलॉन्ग, और उनके साथ आपको जाना है। ध्यान देना यहाँ जिला नहीं बताया गया, राज्य बताया गया। तो आप यूपी के रह रहे हो तो बिहार ट्रांसफर बता देना, एमपी बता देना, मध्य प्रदेश, क्लियर, कोई दूसरा राज्य बता सकते हो, ठीक, एमपी बता देना, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार भी बता सकते हो, क्लियर, कहीं बता देना, ठीक। अगर डिस्ट्रिक्ट कहेगा तो जिला, आप सुल्तानपुर में हो तो जौनपुर बता दो, जौनपुर सुल्तानपुर, या लखनऊ कानपुर, लेकिन अगर यहाँ स्टेट पूछ रहा है तो राज्य दूसरा बता देना, मध्य प्रदेश बता देना, बिहार बता देना, क्लियर, ऐसा कोई भी स्थान बता देना। माय हॉबी, हॉबी क्या है, आपको अपने हॉबी में मैंने आपकी जो शौक है, मनपसंद कार्य है उसको बताना है, तो गार्डनिंग वगैरह जो है वही आया है, वही बता सकता है। आइडियल स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, तो सपनों का भारत इंडिया के बारे में लिखना है कि आप कैसा चाहते हैं, आपके हिसाब से आगे भारत कैसा रहेगा। तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला आपकी बुक में भी सॉल्व है और बताया भी थे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, तो व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एकमात्र इच्छा क्या थी, तो आप देखिए यहाँ दिया गया ना, हर सोल एम्बिशन, हर जगह फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिख दो, नाइटिंगेल्स, उसके बाद सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स, बी की जगह आप बी कम भी लिख सकते हो, बी कम माने होना। व्हाई डिड सी विजिटेड ईच बेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में प्रत्येक बेड तक वह क्यों जाती थी, तो बता देना, सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड, क्लियर। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।